श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1200 में कहते हैं, हे भाई, हे स्वामी, मेरे अंदर चाहत है कि आँखों से मैं तेरे दर्शन करूं, जीभ से तेरा नाम जपता रहूं, कानों से दिन रात तेरी महिमा सुनता रहूं और हृदय में तू मुझे प्यारा लगता रहे। हे दास नानक, जब गुरु ने कामादिक पांचों को किसी अति भाग्यशाली के वश में कर दिया, तब विरह अवस्था में पहुँच के उसकी तवज्जो हरि नाम से जुड़ जाती है। जिस मनुष्य पर प्रभु ने मेहर की, प्रभु के नाम में ही उसकी लीनता हो गई। हे मेरे मन, परमात्मा का नाम जपाकर, परमात्मा का नाम पढ़ाकर, यही श्रेष्ठ कर्म है। हे मन, परमात्मा के नाम के बिना और कोई यहाँ सदा कायम रहने वाला नहीं है, और सारा पसारा ऐसा है जिससे आत्मिक जीवन के लिए कोई फल नहीं मिलता। हे कमले मन, जो कुछ जगत में दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है। इसमें ना कुछ अपना बनाया जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है। हे कमले, जिस माया को तू अपनी समझी बैठा है वह तो छोड़ जाएगा, उसकी खातिर किए हुए पापों का भार ही अपने सर पर लेकर जाएगा। हे भाई, रत्ती रत्ती करके, पल पल करके उम्र घटती जाती है, पर मूर्ख मनुष्य यह बात समझ नहीं सकता। मूर्ख वही कुछ करता रहता है जो आखिरी समय में इसके साथ नहीं जाता। परमात्मा से टूटे हुए मनुष्य का सदा यही कर्तव्य रहता है। सतनाम श्री वाहे गुरु।